अब थोड़ी सियासी बात कर लेते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद झारखंड कांग्रेस नेताओं और विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इससे झारखंड कांग्रेस के मजबूत होने का दावा किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के का मूल मंत्र डरो मत लड़ो से पार्टी में उत्साह है, जिसका फायदा संगठन को मजबूत करने में मिलेगा। एक रिपोर्ट देख लीजिए। आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद उन पर बड़ा आरोप लगा कि वो कांग्रेस नेताओं विधायकों को राहुल गांधी से नहीं मिलने देते थे। अविनाश पांडे के प्रभारी बनते ही 15 दिनों के अंदर झारखंड के कांग्रेस नेताओं की मुलाकात राहुल से हो गई। इस मुलाकात में राहुल गांधी के द्वारा संगठन सर्वप्रथम के मूल मंत्र से प्रदेश कांग्रेस उत्साहित है। पार्टी के प्रवक्ता सतीश पॉल मुंजनी का कहना है कि राहुल गांधी के टास्क से पार्टी में नई ऊर्जा आई है। प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में जितने विधायक लोग और कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों ने मिला है, और जरूर उनका जो एक हमारा उनका जो नारा है कि डरो नहीं लड़ो, इससे हम लोगों को बहुत हमारे संगठन को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जन जागरण अभियान के तहत पूरे 26 जिला घूमने का काम किया। राहुल गांधी ने झारखंड के नेताओं पार्टी विधायकों से खुलकर बात की, साथ ही हर मसले पर अपना निर्देश प्रदेश नेतृत्व को दिया है। बुधवार को पूरे दिन कांग्रेस के गलियारों में इस मुलाकात की चर्चा सुनाई दी। पार्टी के नेता शमशेर आलम ने कहा है कि 2 साल के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात में मिले टास्क से प्रदेश में सरकार और संगठन में बेहतर काम होगा। उसके बाद निश्चित तौर पर अपने नेता से माननीय विधायक माननीय मंत्री और माननीय कोऑर्डिनेशन के सदस्यों से मुलाकात हुई है, लेकिन जो मुलाकात हुई है पूरी तरह से सकारात्मक मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात से निश्चित तौर पर हमारे जो झारखंड के नेता हैं माननीय विधायक हैं माननीय मंत्री हैं सब को ऊर्जा मिला है, और जो भी टास्क माननीय राहुल गांधी जी ने दिया है चाहे संगठन को लेकर या सरकार को लेकर या कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को लेकर के, हमको लगता है कि और जो हमारा घोषणा पत्र रहा है उसको अक्षरशः पालन करने की जो बात माननीय राहुल गांधी जी ने की है, निश्चित तौर पर सारे झारखंड के नेता इस बात पर अमल करेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाने की कई वजहें थी। अब नए प्रभारी के आते ही बदलाव साफ दिख रहा है। 26 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से राहुल मिले। अब पार्टी के नेताओं से मुलाकात के बाद प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में इसका सार्थक असर साफ दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।